अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है हमारा, ये सेकंड ईयर की बुक में से है। जो फर्स्ट चैप्टर थे 1 to 8, जो हमें सिलेबस मिला हुआ है UHS की तरफ से, उसमें 1 to 8 जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक में से हैं। 9 to onward 16 तक जो है वो सेकेंड ईयर की बुक में से हैं। सो जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 1 है, यानी चैप्टर नंबर 12 है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम्स लॉ। सो हम स्टडी करेंगे कि ये कूलम्स लॉ क्या है और किस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो सबसे पहले तो ये जो कूलम फोर्स है, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किसके बारे में है। ये बेसिकली चार्जेस के बारे में है, और अगर हम चार्जेस को देखना चाहें तो हमारे जो कॉमनली यूज्ड चार्जेस के नेम है वो है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन है, हम उसको ज़्यादातर क्या कहते हैं, ज़्यादातर नहीं बल्कि है ही नेगेटिव चार्जेस से उसको डिनोट किया जाता है, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन शो कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव शो कर देते हैं, उससे पता चल जाता है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो दो तरह के चार्जेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर अब हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, लेट सपोज क्यू हम चार्ज के लिए कर रहे हैं और ये प्लस है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह अगर ये नेगेटिव शो कर दिया है तो इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि अगर हम देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही ये एक चार्ज और एक ही चार्ज तो नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं जो कि इनके पास फिर रहे होंगे इस तरह से। अब अगर दो एक तरह के चार्जेस हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये लाइक चार्जेस हैं, और ये भी फिर क्या हो जाएंगे, लाइक चार्जेस हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो हैं अनलाइक चार्जेस। अब जो लाइक चार्जेस हैं उसमें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉरी यहाँ हमारे पास आ जाएगी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लाइक चार्जेस हैं। और इसमें आ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किस तरह से आएगी और क्या बेसिक पर्पज़ है हमारा इसको स्टडी करने का, पहली बात है कि हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए इसको डिस्कस नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो पहले ही रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसके उसको हम ज़्यादा डिस्कस करके क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम जिसको डिस्कस करते हैं वो है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने में जो इन्होंने एक दूसरे को फोर्स लगाई है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कूलम ने सबसे पहले बताई थी, इसलिए जो इससे डिराइव हुआ हुआ लॉ है उसको कूलम्स लॉ कहते हैं। अब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है और किस पर डिपेंड कर रही है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगी कि इनका जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स के लेट सपोज हमने कहा ये जो चार्ज है ये 12 कूलम का है, ये चार्ज है 6 कूलम का। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है, एक डिजिट फॉर्म में हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज 1, 2 का नाम दे दें, तो मल्टीप्लाई करने में हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 × 6। अगर हम बात कर रहे होते कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब हमें इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़नी थी कि अगर चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये चार्जेस किस डायरेक्शन से आ रहे थे, तब उन्होंने फोर्स एग्जर्ट की, आइदर ये पॉजिटिव था नेगेटिव यहाँ से आया तो ये अट्रैक्ट हुए हैं, या नेगेटिव यहाँ से आया तो अट्रैक्ट हुए हैं, या इस डायरेक्शन में। सो हम डायरेक्शन को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि चार्जेस का हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और एक ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड कर रही है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, और प्रोडक्ट भी किस चीज़ का, इनके जस्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। ठीक है,
जो चीज़ इस तरह लिखी होती है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, और जब इनको इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा यानी इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनमें जस्ट इनके मैग्नीट्यूड को ही मेंशन किया जाएगा, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पर 12 and 6 लिए हैं। सेकेंडली जो ये चीज़ डिपेंड कर रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड कर रही है कि डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान कितना है। अगर आप दोनों चार्जेस को बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं इस तरह से, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी एक एग्जांपल अगर सिंपल हम देखें तो मैग्नेट को भी हम देख सकते हैं। मैग्नेट्स में क्या होता है, अगर आप मैग्नेट्स को बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं तो एक टाइम आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, कोई फोर्स नहीं लगाते। लेकिन जब आप उन्हें पास लेके आना शुरू करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह चार्जेस को अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ले गए, आपने उनमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा कर दी है, डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, तो फिर क्या होगा कि आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इस तरह असर होगा कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर मेंशन करने का क्या मकसद है कि हम जस्ट एक जो चार्ज है उसकी बाउंड्री से दूसरे चार्ज को नहीं देख रहे कि इसमें कितना डिस्टेंस है, बल्कि इनके सेंटर पॉइंट्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। सो उसकी वजह से जो सेपरेशन है वो थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, यहाँ से अब स्टार्ट हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर नहीं है, आर सिर्फ इतना पोर्शन है, देन ये वाले पोर्शन मिला के एक और आर बनेगा जिससे आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा कि जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है तो इसको अगर मर्ज करके लिखें तो किस तरह लिखा जा सकता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नज़र आ रहा है, इसको अगर कांस्टेंट में चेंज करना हो तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, और अगर कूलम्ब लॉ के केस में हम कांस्टेंट वैल्यू देखें तो वो है एक के इक्वल। अब के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस के की जो वैल्यू है और ये किसके इक्वल होता है उसका भी हम देखते हैं। सो ये के जो है वो बेसिकली इक्वल है 1/4πε0, इसको एप्सिलन नॉट बोलते हैं, और ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, मटेरियल की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर किस हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर सकती है। सो यहाँ पे जो हम फ्री स्पेस लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट मीन्स यहाँ पे हम जो दो चार्जेस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसमें वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, मीडियम यानी कि कोई लकड़ी का पीस नहीं है, कोई हमने एयर को नहीं यहाँ पे लेना, बल्कि सब कुछ वैक्यूम करके देन चार्जेस को उस वैक्यूम जार के अंदर छोड़ देना है ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम चूंकि फ्री स्पेस को ले रहे हैं, वैक्यूम को ले रहे हैं, तो इस वजह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम कंसीडर करेंगे। अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को देखें तो इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻²⁻¹² कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये इसकी वैल्यू है अगर हम वैक्यूम को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो एप्सिलन नॉट है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और हर मीडियम के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होती है, और ये जो के, अब टोटल अगर ओवरऑल के को देखना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो यहाँ से हमने क्या कर ली, के की वैल्यू निकाली। अब जो ये के की वैल्यू है यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन केस ऑफ कूलम फोर्स या कूलम लॉ, इसकी वैल्यू जो है अक्सर MCQs में पूछ ली जाती है। इसी तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की ये वैल्यू पूछ ली जाती है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, और समटाइम आपको वैल्यू सेम दी गई होती है, यूनिट्स में चेंजिंग करके दे दी जाती है। सो यूनिट्स का याद होना मस्ट है। अब क्या होगा कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि फोर्स जो है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है चीज़ों पे। अब हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है
अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, अब हमें डायरेक्शन को भी डिस्कस करना है. अगर हम दो चार्जेस को ले रहे हैं, लेट सपोज एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, Q1 एंड Q2, तो ये चार्जेस क्या कर रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो 1 ने 2 के ऊपर फोर्स लगाई, तो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है हम उसको पहले लिखेंगे और वो बन जाएगा F2 1. लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जो फोर्स एक चीज़ दूसरे पे लगा रही है उसके रिएक्शन में दूसरी चीज़ भी फोर्स लगाएगी उस चीज़ पे जिसने पहले उस पे फोर्स लगाई, बट वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी. इट मींस कि पहले Q1 ने Q2 पे लगाई, अब Q2 जो है वो Q1 पे लगा रहा है, सो ये F12 बन गया. बट इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर दिया. सो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी में जब हमने फोर्स को शो करना है तब हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से. और ये आर कैप बेसिकली इक्वल होती है जितना इनका वेक्टर का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के. लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा. अब जो हम अगर यहाँ पे फोर्स को देखना चाहें कि किस तरह लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? F21 के लिए जो डायरेक्शन भी आएगी उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और R12 को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. अब जो फोर्स की बेसिकली ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है यहाँ पे. तो अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरह मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ये फोर्स F12 जो है ऑपोजिट इन डायरेक्शन जा रही है. तो बेसिकली F12 के पास ये जो नेगेटिव साइन आया है ये इस यूनिट वेक्टर की वजह से आया है और ये चीज़ एक्सप्लेन करिए कि ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. अब हम फोर्स को लिखते हैं इनके अकॉर्डिंग, F21 और 12 के अकॉर्डिंग. तो ये 21 जो है बन जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और ये आर कैप एंड इट इज 21. ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 12 के लिए अगर हम करें 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया और इस नेगेटिव साइन की वजह से अगर हम बाकी चीज़ देखें तो वो इसी तरह के इक्वल आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन अब इस F12 को नेगेटिव बना रहा है. इस वजह से मैंने कहा कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसके साथ नेगेटिव साइन होने की वजह से ये जो फोर्स आ रही है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, मीन्स ओपोजिट इन डायरेक्शन शो कर रही है. सो हमारे पास ये फोर्सेस की वैल्यू आ गई. अब जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है वो ये चीज़ है कि अगर हमने दो चार्जेस को लिया हुआ है और इसके दरमियान जिस तरह पहले हमने कहा था कि यहाँ पे अभी वैक्यूम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चार्जेस के दरमियान कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें, तो फिर क्या इफ़ेक्ट आएगा? उस इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम को कंसिडर कर लेते हैं. अगर यहाँ पे हम मीडियम को कंसीडर करेंगे तो ये जो के है इसमें एक और फैक्टर का इजाफा हो जाएगा और वो किस तरह से होगा? इसके साथ साथ हमारे पास फोर्स के सूरत में लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर एंड ये आर यूनिट वेक्टर. इससे क्या पता चला कि अगर हम किसी मीडियम को ऐड कर रहे हैं, दोनों के दरमियान प्लेस करवा रहे हैं, तो हमारे पास एक परमिटिविटी आ रही है और इस परमिटिविटी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, अब रिलेटिव जो है वो आर से है और पहले ये एप्सिलॉन साइन जो है वो परमिटिविटी को शो कर रहा था. अब इसकी जो वैल्यू है हर मीडियम के लिए वो डिफरेंट है और वो अगर कोई भी मीडियम कहीं से भी लेके यूज़ करें तो वो कांस्टेंट रहेगी. जिस तरह ये के की वैल्यू कांस्टेंट है इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो उनकी कांस्टेंट रहेगी.
अब अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमें चेक ही ये करना है कि मीडियम ऐड करने से फोर्स पे क्या इफेक्ट आया। इसको अगर हम थोड़ा सेपरेट कर लें इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर एंड ये यूनिट वेक्टर, तो ये वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आ रहा है। इट मींस कि हम लेट सपोज यहाँ पे अब हम डैश के साथ इसको थोड़ा डिफर करने के लिए कर लेते हैं। सो ये वाला फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल है। इट मीन्स कि अगर आपने कोई मीडियम ऐड किया तो आपको जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही थी उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस मटेरियल के रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे अब हमारे पास इसको भी अगर ख़त्म कर दें तो क्या आ चुका है कि इनवर्स रिलेशन आ चुका है। इट मीन्स कि अगर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस तरह पहले मैग्नेट में हमने कहा था कि कोई अगर वूल रख लें या किसी ऐसे मीडियम के दरमियान रखें जिसके अंदर से ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं पास हो सकती, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपको अट्रैक्शन नहीं फील होगी। ठीक है, इसी तरह चार्जेस के दरमियान अगर आपने ऐसा मीडियम रख दिया है कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिकली जो MCQs हैं और इसको पूरा एक्सप्लेन करने का मकसद यहाँ पे है कि अगर हम विदाउट मीडियम देखते हैं यानी वैक्यूम में देखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर कोई हमने चार्जेस के दरमियान मीडियम को डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करवा दिया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसके लिए इसको हम थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 12.1 बुक में मेंशन है जिसमें एट द एंड फोर्स फाइंड आउट की गई है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, और वो फोर्स की वैल्यू है जी 1.8 न्यूटन, और ये तब थी जब मीडियम दोनों के दरमियान वैक्यूम सिलेक्ट किया गया था दो चार्जेस के दरमियान। लेकिन अगर मैं यूँ कहती हूँ कि मुझे इनके दरमियान कोई और मीडियम सिलेक्ट करना है लाइक जर्मेनियम मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान मैंने कह दिया मैंने जर्मेनियम की बनी हुई रॉड को प्लेस करवा दिया। अब ये जो जर्मेनियम की बनी हुई रॉड है इसका इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 16, सो ये कांस्टेंट रहेगी जर्मेनियम के लिए, और इसके साथ भी हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो मेंशन होंगे लेकिन उसमें मेंशन नहीं किए गए। सो अगर ये 16 है तो क्या होगा कि यहाँ हमने देखा कि जितनी पहले फोर्स निकालनी थी वो हम निकाल चुके, मीडियम प्लेस करने के बाद हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा इस रिलेटिव परमिटिविटी से। सो अगर इसको डिवाइड कर रहे हम 16 से, क्योंकि ER मैंने जर्मेनियम लिया हुआ है इसलिए उसकी वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स में आएगी। ठीक है, अब वो पॉइंट्स में आने की वजह से क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती हुई हमें एग्जैक्टली फील हो रही है, एक न्यूमेरिकल वे में हमें नज़र आ रहा है कि अब वाकई अगर हम मीडियम को प्लेस करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सो हमारे जो MCQs आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि अगर आपने कोई मीडियम प्लेस किया हुआ है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे किस तरह इफ़ेक्ट करेगा, तो वो एक इनवर्स रिलेशन बनाएगा फोर्स के साथ, क्योंकि वो जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी। सो ये था हमारा टॉपिक।